जुलाई के महीने में मकर राशि का बनेगा महालक्ष्मी योग, यानी कि अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है या कोई जैकपॉट हाथ आ सकता है। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे YouTube Facebook चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जुलाई के मंथली राशि फल का, वो भी मकर राशि यानी कैप्रिकॉन का। और जैसा मैंने बोला कि जुलाई के महीने में माँ लक्ष्मी योग बन रहा है, या तो जैकपॉट हाथ लगेगा या अचानक बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ये मकर राशि की कुंडली आ रही है जुलाई की। द्वितीय भाव में शनि विराजमान है, चतुर्थ भाव में गुरु और राहु बैठे हुए हैं, और छठे भाव में सूर्य और बुध विराजमान है, सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं, और अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं, और दसम भाव में केतु, लाभ भाव में चंद्रमा बैठे हैं। अब ये ग्रह गोचर कैसा जैकपॉट देंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो जुलाई का महीना मकर राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्षीण शुक्र यानी कि जो सप्तम भाव में कर्क राशि में शुक्र बैठे हैं, इसकी दृष्टि आपकी राशि पे पड़ रही है। यानी जुलाई का महीना आप भावुक रहेंगे, आपके अंदर थोड़ी बेचैनी रहेगी, और बेफालतू की बातें ज़्यादा सोचते हुए नज़र आएंगे। छोटी छोटी बातों का आपको बुरा लगेगा, शॉर्ट टेम्पर हो जाने वाले हैं, और शॉर्ट टेम्पर ज़्यादा क्षणिक क्रोध में अपना ही नुकसान करने वाले हैं। इसलिए आपको अपने नेचर पे, अपने क्रोध पे नियंत्रण करना पड़ेगा, नहीं तो अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। साथ ही साथ हल्की फुल्की नेत्र की और पेट की समस्या भी जुलाई में रहेगी, यानी जुलाई में थोड़ा सा नुकसान आपको नज़र आ रहा है हेल्थ में। धन की स्थिति की बात करें तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक सब कुछ नॉर्मल है, 8 जुलाई से चेंज आ रहा है। 8 जुलाई से 31 जुलाई तक अष्टम भाव के अंदर मंगल भी आ जाएंगे, शुक्र भी आ जाएंगे, और अष्टम भाव के अंदर महालक्ष्मी योग बनेगा, और इसकी सातवीं दृष्टि देखी जाए तो आपके धन भाव पे पड़ रही है। यानी कि जो सातवीं दृष्टि अष्टम भाव से मंगल और शुक्र की आपके धन भाव पे पड़ रही है, तो धन संबंधी बड़ा जैकपॉट आपको निकल सकता है, कोई लॉटरी आपकी निकल सकती है, या कोई बड़ा काम आपके हाथ अचानक से लग सकता है जो कि खूब धन लाभ आपको दे सकता है। यानी कि 8 जुलाई के बाद स्थिति बहुत अच्छी है, और यदि आपके शहर में कोई सरकारी स्कीम निकल रही है तो आपको उसमें भर देना चाहिए, उससे आपको कोई जैकपॉट, कोई लॉटरी निकल सकती है। बात करें परिवार भाव की, तो परिवार भाव के लिए पूरा महीना देखा जाए तो मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं, तो भूमि संबंधी अगर आप कोई काम करा रहे हैं तो उसमें आपको टेंशन बनी रहेगी, रुकावटें बनी रहेगी। बाकी आप प्रॉपर्टी का काम नहीं करा रहे हैं तो परिवार भाव बिल्कुल नॉर्मल है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के संतान के बारे में। तो संतान की स्थिति भी 2 भागों में बढ़ जाने वाली है। 1 तारीख से 7 जुलाई तक देखा जाए तो संतान, चाहे आपकी छोटी हो चाहे संतान बड़ी हो, उनको त्वचा संबंधी प्रॉब्लम, नेत्र संबंधी प्रॉब्लम रहेगी। 8 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक देखा जाए तो बड़ी संतान पे आपको ध्यान देना है। बड़ी संतान का मतलब जो 15 साल से बड़ी संतान है उन पे आपको ध्यान देना है। झूठ बोलकर वो मित्रों के साथ में या घूमने जा सकती है, साथ ही साथ बड़ी संतान जुलाई में बिगड़ सकती है, तो थोड़ा आपको ध्यान देना है। बड़ी संतान का वाहन से चालान भी कट सकता है जुलाई के महीने में। छोटी संतान का अगर देखा जाए तो उनको ननिहाल से कोई गिफ्ट प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिला के जुलाई के महीने में, खासकर 8 जुलाई के बाद, आपको अपनी बड़ी संतान पे ध्यान देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के नौकरी के बारे में। तो नौकरी की स्थिति के बारे में बात करें तो छठे भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं, और छठे भाव में बुध आदित्य योग बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, यानी कि पद प्रमोशन के आपके जुलाई में योग बनते हैं। सरकारी रुका हुआ काम, सरकारी नौकरी से संबंधित कोई रिजल्ट आना है तो पॉजिटिव रिजल्ट आपका मिलेगा, बॉस आपकी तारीफ करने वाला है, नई नौकरी के आपको ऑफर मिलेंगे। तो कुल मिला के करियर के लिए, नौकरी के लिए जुलाई का महीना मकर राशि के लिए अति 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 लाभ कर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बुध आदित्य योग बन रहा है। जय माता दी। मेरा नाम साहिल है और मैं गुरुजी के पास 4 महीने पहले आया था, तो स्वास्थ्य रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स थी मेरे को, और गुरुजी ने मेरे को बताया कि ऐसे सुरक्षा कवच होता है, तो वो मैंने धारण करा, और उसके बाद से
मेरे को काफ़ी मेरी जो प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है, वो 90% जो है वो कम हो गई है। और कम क्या है मतलब, फ़िलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि ये सुरक्षा कवच पहनने के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ है। जय माता दी। अब बात करते हैं मकर राशि के दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन दो भागों में बट रहा है। पहला 1 तारीख से 7 जुलाई तक सप्तम में शुक्र बैठे हैं, यानी कि पति पत्नी हो चाहे आपके प्रेमी प्रेमिका हो, ये जो सप्तम में शुक्र बैठे हैं सब कुछ नॉर्मल रहेगा, जैसी दिनचर्या चल रही है वैसी ही चलेगी। 8 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक मंगल दोष आप पे लगेगा, यानी मंगली दोष आप पे लगेगा। अष्टम में जब भी मंगल होता है तो मंगली दोष होता है। ऐसे में सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो उनका वाहन पे चालान कट सकता है, वाहन खराब हो सकता है और वाहन पे खर्चा बढ़ सकता है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो ये जो मंगली दोष बन रहा है, घर के अंदर झगड़े बहुत ज़्यादा रहेंगे, घर के अंदर अशांति रहेगी। तो 8 जुलाई से 31 जुलाई तक बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो मकर राशि वाले अपना शोरूम चलाते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, तो उनका जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है। तो उनका जुलाई का महीना दो भागों में बंटने वाला है। 1 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक सब कुछ नॉर्मल है, यानी सब कुछ नॉर्मल रहेगा। 8 से लेकर 31 जुलाई तक देखा जाए मंगल और शुक्र अष्टम भाव में आ जाएंगे, महालक्ष्मी योग अष्टम भाव में बढ़ेगा, यानी अचानक धन में वृद्धि होगी, पुरानी बड़ा काम आपको मिल सकता है, पुरानी डील आपकी बन सकती है, पुराने ग्राहक आपके लौट कर वापिस आएंगे। हाँ, लेकिन मंगल जो अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपके संस्थान में अग्नि का भय रहेगा, यानी आग लगने का खतरा रहेगा, उससे आपको थोड़ा सावधानी करनी है। अग्नि शयन जो अग्नि नाशक यंत्र होते हैं उसका प्रॉपर आपको जांच करा ले, उसको ठीक करा ले, क्योंकि थोड़ा जुलाई के महीने में मंगली दोष बनने से अग्नि भय आपकी फैक्ट्री या आपके संस्थान में रह सकता है, तो उसमें थोड़ा आपको सावधानी रखनी है। बाकी काम के लिए 8 जुलाई के बाद स्थिति बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।